लगातार चल रहा है। 11 बजे देश का बजट देश के सामने होगा और किस सेक्टर को क्या मिलेगा इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से सरकार अलग अलग वर्ग को साधने की कोशिश करती हुई बजट में दिखाई देगी। मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी बजट है, पूर्ण बजट, जिसमें ये कहा जा रहा है कि चुनावी साल है तो चुनावी बजट जरूर होगा और चुनावी होगा तो लोक लुभावन बजट ये होगा, इसी का इंतजार लगातार किया जा रहा है। अलग अलग सेक्टर्स को बेताशा उम्मीदें सरकार से है। सीधे आपको बजट सेंटर लिए चलते हैं, वहां से मेरे साथी राजेंद्र देव लगातार बने हुए ब्रेकिंग सेंटर। जी राजेंद्र। दीपा बिल्कुल, और अब हम बात करने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, खासकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है पिछले सालों में, हम सब जानते हैं, और बहुत आगे बहुत कुछ करने के इरादे हैं। तो कुछ डिटेल्स भी हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ से बहुत करीबी ताल्लुक है, और जितना ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हम सब जानते हैं कि विकास की रफ्तार उतनी बेहतर होती है, उतनी तेज होती है। 25,000 किलोमीटर अगर देखा जाए तो, और इरादे हैं कि राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उसका नेटवर्क विस्तृत किया जाए, उसको एक्सपेंड किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है क्या हुआ है और इस बजट में क्या हो सकता है? निकित, अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी इकोनॉमी की जो गति है वो बिल्कुल आगे बढ़ेगी और हमें हमारा ग्रोथ होगा। सो हमारे सबसे पहले हमें अपना जो सोर्स है सबसे ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। सो जो हमारा फ्यूल है उसको हमें रिन्यूएबल की तरफ पुश करना चाहिए। सो अगर हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, अगर का फोकस भी है निकिता, बिल्कुल है, रेल भी एक चीज है, रेल भी एक चीज है, उसको जानने के लिए हम सीधा प्रयागराज चलेंगे। मोइन हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। और रेल, आपको मालूम है कि अब आम बजट में ही उसका जिक्र होता है रेलवे के लिए जो कुछ किया जाना है, तो मोइन हमें बताएंगे कि रेलवे के लिए क्या उम्मीदें हैं, रेल के क्षेत्र में क्या हो सकता है इस बजट में। मोइन जी बिल्कुल, देखिए आज जो आम बजट आ रहा है उससे संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को काफी मौजूद है प्रयागराज जंक्शन पर, जहां आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, रेलवे के लिए क्या कुछ खास होगा, लोग बेताशा उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि उनको सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को बहुत सुविधाएं मिलने की उम्मीदें हैं। रेलवे बजट को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि आवंटन ज्यादा हो सकता है, सुविधाएं बढ़ सकती है, आधुनिकीकरण पर फोकस सरकार का रह सकता है, इस पर लगातार इंतजार। और देखिए हर सेक्टर उम्मीद ये कर रहा है कि उनको राहत तो कम से कम मिलेगी, उम्मीदें जो हैं वो कम से कम पूरी होती हुई तो दिखाई देंगी। ये आखिरी पूर्ण बजट सरकार का और इससे लोगों की उम्मीदें डबल हो गई हैं। मोइन का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। जी जी मोइन। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ तमाम रेल यात्री हैं जो रेल पर चर्चा करेंगे, जो आम बजट आ रहा है उस पर चर्चा करेंगे। हम जल्दी जल्दी से प्रतिक्रिया उनके लिए लेते हैं। बताइए जो आज आम बजट आ रहा है क्या उम्मीदें हैं आपको? हमको तो ऐसा बजट चाहिए जो आम लोगों का जो है गुजारा हो जाए, और जिस तरीके से निर्मला रमन सिंह ने बजट, बिल्कुल बजट ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी के लिए फायदेमंद हो। बताइए आप क्या चाहते हैं बजट से? अभी रेलवे में एक बात कहनी थी कि हर मुख्य ट्रेन में एक बोगी छात्रों के लिए आरक्षित कर दिया जाए तो ये छात्रों के लिए बड़ी सम्मान और गौरव की बात होगी, साथ ही साथ थोड़ा सा रेट कम हो इससे। बिल्कुल, और लोग हैं उनसे भी प्रतिक्रिया। बताइए आप क्या चाहते हैं कि आज के बजट में क्या कुछ होना चाहिए? देखिए आज के अगर रेल बजट की बात की जाए तो रेल में क्या है कि जो गरीब मध्यम वर्ग के और जो गरीब लोग हैं उनको टिकट के लिए रिलैक्सेशन देना चाहिए जिससे वो सफ़र कर सके, और ना कि बढ़ोतरी की जानी चाहिए। बिल्कुल, आप क्या चाहते हैं? आज के बजट से हम, मुझे ये अपेक्षा है कि जो टैक्स स्लैब है उसमें छूट मिलेगी जिससे गरीब तबके मिडिल तबके के लोगों को फायदा पहुंचेगा, और साथ ही साथ जो हमारे टैक्स लिए जाते हैं उसको सही प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किए जाएंगे जहां से इन्वेस्ट और रिटर्न की गारंटी हो। बताइए प्रयागराज के रेलवे स्टेशन को तो एयरपोर्ट के तर्ज पर महाकुंभ के लिए तैयार किया जा रहा है, अब और क्या चाहते हैं? एयरपोर्ट के लिए हम ये चाहते हैं कि जो दूर दराज से लोग आते हैं तो यहाँ पे एयरपोर्ट में डायरेक्शन होना चाहिए कि कहाँ पर एयरपोर्ट है। न्यू एयरपोर्ट काफी अच्छा हो रहा है, इसको अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाना है, इसके लिए यहाँ पर अच्छा इनको। बताइए आप क्या चाहते हैं कि आज के बजट में क्या कुछ होना चाहिए जो आपके लिए? स्टूडेंट के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए जो सुविधाएं पहले से चल रही थी उनको फिर से चालू कर दिया जाए, और जो स्टूडेंट अभी आ रहे हैं जिसकी वजह से भीड़ बढ़ जाती है बच्चों को और यात्रियों को दिक्कत होती है, वो दिक्कत ना हो। बिल्कुल, और भी लोग हैं उनसे बताइए आप क्या चाहते हैं? ट्रेनें लेट बहुत चलती हैं। हाँ, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कोहरे का प्रकोप ज़्यादा है, इस वजह से ट्रेनें कुछ लेट हो रही है। हम ये चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे ट्रेनें लेट बिल्कुल ना हो। इन ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर लोग परेशान हैं, और साथ ही साथ आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, छात्रों के लिए, दिव्यांगों के लिए खास सुविधाएं हो, सरकार इस पर फोकस करे, ये लोग चाहते हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।